हाय एवरीवन, वेलकम बैक. मैं हूँ विम्पी. गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक रिव्यू शेयर करने वाली हूँ. मेरे पास यहाँ पर दो प्रोडक्ट्स हैं, हर्बल लग्जरी वान्या अनार सॉफ्ट की तरफ से. गाइस, थोड़े ही दिन पहले इस ब्रांड ने अपनी एक पूरी रेंज जो है वो लॉन्च करी थी, जिसका नाम था अनार शाइन. एक्चुअली अनार शाइन इसीलिए क्योंकि पोमेग्रेनेट यानी कि अनार जो है उन प्रोडक्ट्स के अंदर की इंग्रेडिएंट था. और आपको पता ही है गाइस कि अनार जो है हमारी हेल्थ के साथ साथ हमारी स्किन के लिए कितना ज़्यादा अच्छा होता है. यहाँ पर मेरे पास दो प्रोडक्ट्स हैं, वन बाय वन मैं आपको बताऊंगी इन प्रोडक्ट्स के बारे में. लेकिन गाइस, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, और वो ये है कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए. सब्सक्राइब करने के साथ प्लीज बेल बटन को भी प्रेस, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगी आप लोगों को पता लग जाएगा और आप मेरी किसी भी वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे. तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे. तो गाइज, यहाँ पर पहला जो प्रोडक्ट है वो है एक बॉडी क्रीम. आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक कार्टन बॉक्स के अंदर आती है, और काफी छोटू सी और बहुत ही क्यूट सा इसका पैकेजिंग है. इस प्रोडक्ट को जैसे ही मैं ओपन करती हूँ, यहाँ पर मेरे पास एक टब जो है मुझे रिसीव होगा. और ये जो टब है आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और इस तरीके से इसे मैं ओपन करूँगी तो यहाँ पर है मेरा प्रोडक्ट. इससे मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी कर चुकी हूँ, और ये काफ़ी रनी है, लोशन जैसा है. क्रीम तो मैं नहीं बोल सकती, इसे बाहर लिखा है क्रीम बट ये क्रीम जैसा मुझे लगने. उप्स, थोड़ा सा गिर गया, आई एम रियली वेरी सॉरी. एक्चुअली थोड़ा मैंने आपको बताया कि ये रनी है, और मैंने बिल्कुल इसको हल्का सा ऐसे किया था और ये बिल्कुल बाहर ही आ गया. और इसकी जो खुशबू है बिल्कुल एक लिप बाम की तरह है, मतलब जो स्ट्रॉबेरी लिप बाम होती है बिल्कुल वैसी ही है. आई थिंक इसके अंदर स्ट्रॉबेरी भी होगा, और लगाने में ना ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है गाइस, और बिल्कुल ग्लाइड हो जाता है हमारी स्किन के अंदर, और बहुत ही एक हल्की सी खुशबू जो है वो रहती है. गाइस, मुझे इसकी खुशबू जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है. अगर आप मुझे रेगुलरली फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा गाइस कि मुझे जो बहुत ज़्यादा तेज़ फ्रेगनेंस होती है मुझे नहीं अच्छी लगती, मेरे सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगती है. और इसकी जो खुशबू है बहुत ही लाइट है, और बिल्कुल हल्का सा इसका जो यू नो अमाउंट लगता है हमारी बॉडी पर. अभी आप देख सकते हो कितना सारा तो मैंने गिरा दिया गलती से, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है. और अभी मैं आपको इसके सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स के बारे में भी बता देती हूँ. इसका जो पहले तो मैं बता दूँ, इसका जो प्राइस है वो है 520 रुपीज़. और अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक छोड़ा हुआ है, आप वहाँ जाकर के चेकआउट ज़रूर कर सकते हैं. और सबसे अच्छी बात ये है इस प्रोडक्ट की गाइस कि ये 101% वेजिटेरियन है, एनिमल टेस्टिंग नहीं किया गया है इसके ऊपर. यहाँ पर हम इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स के ऊपर नजर डाल लेते हैं. पोमेग्रेनेट एक्सट्रैक्ट है, कोकम बटर है इसके अंदर, अल्कोहल और कुछ इसके अंदर केमिकल्स हैं, लेकिन आई डोंट थिंक कि वो बहुत ज़्यादा हमारे बॉडी के ऊपर हार्म करेंगे. पैराबेन वगैरह मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, जो कि एक बहुत अच्छी बात है. और ये जो प्रोडक्ट है ये क्लेम करता है कि ये हमारी स्किन को बहुत ही ज़्यादा सुपर स्मूथ स्किन बनाएगा, हमारा जो स्किन का टेक्सचर होता है उसे भी इम्प्रूव करेगा. और इन्होंने जो इसके अंदर पोमेग्रेनेट एक्सट्रैक्ट जो यूज़ किया है, बोल सकते हो कि हैंड पिक जो अनार है वो है इसके अंदर, जो कि हमारे सन ब्लॉक का भी काम करेगा, जो हमें सूरज की किरणों से भी बचाएगा. और आप इसे समर और विंटर्स दोनों में ही यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हाँ, आप इसे 12 महीने किसी भी सीजन में यूज़ कर सकते हैं. और गाइस, मैंने इसे लगाया है, ये एकदम से ग्लाइड हो गया है और बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं मुझे लग रहा है. आपको बस ध्यान इतना रखना है कि आपको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ही इसकी यूज़ करनी है. तो गाइस, बॉडी क्रीम जो है वो तो थम्स अप, बिल्कुल बहुत अच्छी है. अब हम बात करते हैं यहाँ पर इस छोटू से स्क्रब की. इसका जो प्राइस है वो है 100 रुपीज़, और इसके अंदर आपको मिलती है 5 ग्राम की क्वांटिटी. तो इसका भी जो पैकेजिंग है वो कुछ इस तरीके से है, कार्टन बॉक्स के अंदर आता है, और इसके अंदर आपको मिल जाती है कुछ इस तरीके की पैकेजिंग, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्यूट है. हाँ, कह सकते हैं कि 100 रुपीज़ में इतनी सी क्वांटिटी आपको मिल रही है तो ठीक है गाइस, अफोर्डेबल मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लग्जूरियस ब्रांड है तो कोई बात नहीं, इतना तो अफोर्ड हम कर ही सकते हैं. एंड आई होप आप सब भी कर सकते हैं 100 रुपीज़ में. और स्क्रब एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ हम हफ्ते में एक ही बार यूज़ करते हैं. आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो टेक्स्चर है वो थोड़ा चिपचिपा है,
आप यहाँ पर देख सकते हैं, बिल्कुल अनार, आपको पता है कि अनार का कलर जो होता है वो कुछ इसी तरीके से आता है। आप इसे फेस पर यूज कीजिए। इस वीडियो में अभी मैं फिलहाल आपको डेमो तो नहीं दे पाऊंगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं काफी ज्यादा चिपचिपा है। आप क्योंकि आपको पता है कि इसके अंदर अनार का जो है एक्सट्रैक्ट है और इसके जो पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल भी हार्श नहीं है गाइज, और अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है ना तो भी आप इसे डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं। बहुत ही प्यारी इसकी फ्रेग्रेंस है गाइज, इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो बिल्कुल क्रीम के जैसी है, जैसे लग्जूरियस कोई क्रीम होती है बिल्कुल वैसी ही है। आपकी सेंसिटिव स्किन है, नॉर्मल है, ड्राई है, ऑयली है, जैसी भी है, आप डेफिनेटली इसे यूज कर सकते हैं। चलिए इसके थोड़े से हम इंग्रेडिएंट्स पर ध्यान देते हैं। इंग्रेडिएंट्स के अंदर इन्होंने शुगर मिलाया है। शुगर आपको पता है कि जब हम स्क्रब करते हैं तो शुगर तो होता ही है उसके अंदर, और इसके अंदर ऑरेंज पाउडर है और मिल्क पाउडर है, नेचुरल ऑयल्स ऑफ ऑरेंज, और भी काफी इसके अंदर कुछ केमिकल्स वगैरह भी हैं, लेकिन साथ साथ इनके अंदर सबसे ज्यादा फ्रूट वगैरह है, जैसे कि इसके अंदर शुगर केन भी है, तो काफी ज्यादा अच्छा है। आपको ये जो अब मैं आपको बता दूं कि इसे यूज कैसे करना है गाइस, इसे आपको रोज वाटर के अंदर हल्का सा आप मिक्स कर लीजिए, या फिर अगर आपके पास रोज वाटर नहीं है तो पानी के अंदर भी आप थोड़ा सा मिक्स कर सकते हैं, ताकि आपकी जो स्किन है वो थोड़ी सी गीली हो जाए। अगर आप अपनी ड्राई स्किन के ऊपर, अपने ड्राई फेस के ऊपर स्क्रब करोगे तो आपकी स्किन जो है वो खिंचनी शुरू हो जाएगी और थोड़े दिनों में वो डैमेज होनी शुरू हो जाएगी। तो मेक श्योर करें जब भी आप स्क्रब करें कोई भी ब्रांड का, कोई भी, आप मेक श्योर करें कि अपने फेस को थोड़ा सा गीला जरूर कर लें गाइस, और बस इसे आप हफ्ते में एक बार इसे यूज जरूर कर लें। सेंसिटिव स्किन वाले भी इसे यूज कर सकते हैं और काफी अफोर्डेबल भी मुझे लगा है ये। इन दोनों ही प्रोडक्ट्स के जो लिंक्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड किए हुए हैं, आप जाकर डेफिनेटली इन्हें परचेज कर सकते हैं। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।